हाय फैमिली व्यूअर्स, दिस इज मानूर उमर एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो बूझो तो जीतो लाहौर न्यूज़ HD पर। एक दफा मैं फिर हाजिर हूँ नई एपिसोड के साथ, नए एक्साइटमेंट के साथ। आज हम मौजूद हैं जू में, जहाँ पर लोग बड़े प्यारे आते हैं जिनसे हम करेंगे बातें, खट्टी मीठी बातें होंगी, पहेलियाँ बूझेंगे, टांग ट्विस्टर करवाएंगे। आज हम करेंगे ज़रा ज़्यादा फैमिली से बात और बच्चों से बात करेंगे। तो बच्चों से हम करेंगे सवालात और ये सवालात आपके लिए भी हैं। सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ जो कि आपने बताने हैं कि इनके जवाब क्या हो सकते हैं। मैं पूछूंगी, मैं बताऊंगी आपको प्रोग्राम के एंड में। तो सवाल मैं आपको बता देती हूँ जो कि आपने सोचना है बैठ के कि इनके जवाब क्या हो सकते हैं, और बड़े ईजी से आज सवाल हैं हमारे। मैं प्रोग्राम के एंड में दूंगी इनका जवाब। सवाल हमारा ये है कि बच्चों का मुल्क कौन सा है, यानी कि जहाँ पे बच्चे हैं वो शौक रखते हैं कि हम इस मुल्क में जाएं, खेलें, इंजॉय करें। और हिंट में दे देती हूँ, वहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी प्रिंसेस होती हैं। तो दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो जल भी जाए तो जिंदा रहता है। ये सवाल करेंगे हम यहाँ पर आए हुए लोगों से। तो आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। मैं आपको इंतजार नहीं करवाऊंगी, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? समरीन। आपका? सफा। आपका क्या नाम? मरवा सिफ। मरवा, कौन कौन सी क्लास में हो? मैं सिक्स। सिक्स। आप क्या करती? कुछ घर पे ही होती हूँ। जी। शादीशुदा? नहीं, शादी नहीं हुई हुई है। कहाँ से? लाहौर से। लाहौर से। चले मैं आप जरा सवाल पूछती हूँ, मुझे बताओ कि बच्चों का मुल्क किसे कहा जाता है, पता है? एक जगह सुनी है जहाँ पे जो कहते हैं बड़ी प्यारी है, वहाँ पे प्रिंसेस होती हैं और ये वो। जू। जू में प्रिंसेस होती हैं? कहाँ देखी है, मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ। पड़ी। अच्छा, वो कौन सा ऐसा जानवर है जो जल भी जाए तो उसे कुछ नहीं होता? लड़कियों को बड़ा पसंद होता है। बियर? नहीं, वो जल जाए तो जिंदा रहता है। रैबिट? नहीं, छोटा सा है बिल्कुल। नहीं। अच्छा मुझे बताओ कि कुछ सुनाना चाहो, कोई नात वगैरह? अच्छा चलो ठीक है। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, शहर का वक्त था, मासूम गलियां मुस्कुराती थी, हवाएं गैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी, अभी जब डील भी उतरे न थे काबे के मेंबर से, के इतने में सदा आई है अब्दुल्ला के घर से, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, मुबारक हो शहे हर दोस्त तशरीफ ले आए, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबी बी का हैरिल हल्की कुल्ली ही मी, न कोई आप जैसा है न कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था, जमीनों आसमां में आपकी मिसाल ना रही, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबी बी का हैरिल हल्की। माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपने नाच सुनाई। और मुझे बताओ कि वैसे क्या क्या गेम्स वगैरह खेलती हो घर में? हम डॉल वाला खेलते हैं, छुपन छुपाई। आप कुछ भी नहीं करती, आप बड़ी खामोश सी लग रही हैं। फ्री रहते हैं। खाना बना लेती हैं? हाँ जी। क्या अच्छा बनाती हैं? सब कुछ। सब कुछ क्या? चिकन हो गया, बिरयानी हो गया। चिकन हो गया। डरी हुई क्यों लग रही हैं? मैंने आपको कुछ कहना तो नहीं। चले लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको एक गिफ्ट हैंपर, ये लें जी, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, बच्चियों ने जो है वो बड़ी प्यारी नाच सुनाई। जू में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पे बड़े प्यारे और क्राउड में लोग नजर आ रहे हैं। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शुमाइला। आपका क्या नाम है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। आपका? शहजाद। आप इनके हस्बैंड हैं? जी। छुपे हुए थे कहीं, एकदम ही आ गए? नहीं, वो सामने खड़ा हुआ था। अच्छा, इसका क्या नाम है? इसका हमना। आपका क्या नाम है? बोलती है? हाँ जी। क्या नाम है? अच्छा, डरी हुई है, ठीक है। मुझे बताएं कि ये दोनों बच्चे आप? जी। शादी को कितना अर्सा हो गया? 8 साल। सवाल करती हूँ, मुझे बताएं वो कौन सा ऐसा जानवर है जो जल भी जाए तो वो जिंदा रहता है? नो, जल भी जाए। अक्सर कैद भी कर लेते हैं लोग उसको हाथ में। जुगनू? इतना मैंने क्लोज हैंड दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चलें दूसरा सवाल, आपको पता है कि बच्चों का मुल्क कौन सा है? आपको पता है? No. आपको?
पाकिस्तान नहीं, जहाँ पे बच्चे जो है वो उनको बड़ा शौक होता है कि हम वहाँ जाएं, स्पेशली लड़कियों को। परियों का शहर। आपको परियां पसंद थी बचपन? नहीं नहीं, क्यों? रेल में देखी। अच्छा, लेकिन एक आपने इमेजिनेशन तो रखी होती है ना? हाँ जी, बचपन में तो मैं भी सोचती थी परी आएगी, मैं उससे मिलूंगी, लेकिन आपने नहीं कभी नहीं सोचा? अच्छा, शादी को कितना अर्सा हुआ? 8 साल। 8 साल तो कैसे मियां हैं ये? बहुत अच्छे। बुरी आदत क्या है? साथ खाना ना खाना कभी। अच्छा, तो ये साथ खाना नहीं खाते आप? और मसरूफियत काफी है इसलिए। तो आपको पसंद है कि आपके साथ खाना? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर क्या करती हैं आप? पकड़ पकड़ इंतजार करती हैं? खा लेती हूँ बैठ के। ये भी ठीक है, लेकिन शुरू में तो, शादी के शुरू में तो इंतजार करती? नहीं करती थी। नहीं करती थी, देख लें कैसी ये आपकी बेगम है, इंतजार ही नहीं किया। इंतजार ये करती नहीं बस। आपकी ये इनकी अच्छी आदत है? ये खुश रहती हैं। बुरी आदत? बुरी आदत भी खुश नहीं रहती। खुश नहीं रहती और खुश रहती हैं, ये कैसा सवाल और जवाब है। चलें कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच लाहौर न्यूज़ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। आप कुछ पोइम सुनाना चाहोगी? सुनाए पकड़े माइक। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, हाथ लगा तो डर जाएगी, बाहर निकाला तो मर जाएगी। बहुत अच्छी आपने पोइम सुनाई लाहौर न्यूज़ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। व्यूअर्स, आपने देखा बच्चे ने बड़ी प्यारी पोइम सुनाई और कपल से बात करके बड़ा मजा आया। जू में हैं, आए और लोगों से बात करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उज़ैर। आपका क्या नाम है? इज़ान। रमना। रमनाला। दाइमा। कश्यप। ये सारे बच्चे आपके? नहीं, ये मेरी भतीजी और ये मेरे तीन बेटियां। कहाँ से आप? हम लोग कराची से आए। कराची से आए हैं, कब आए हैं? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए हैं, तो अभी आज चौथा दिन आपने जू सिलेक्ट किया? जी बिल्कुल, हमने बोला आज नॉर्मल डे, रश नहीं होगा इसलिए। मौसम भी जरा अच्छा हुआ है, जबरदस्त मौसम, बहुत प्यारा। वैसे कराची वालों को बड़ा एतराज होता है कि यहाँ गर्मी बड़ी होती है। नहीं, यहाँ पे अभी मौसम ने इसलिए नवंबर का सिलेक्ट किया, अक्टूबर नवंबर नॉर्मल डेज होते हैं, बहुत अच्छा है इवेंट, मौसम यहाँ पर हो जाता है। कराची में तो हवा चल रही होती है ना? कराची में तो बस दरमियानी मौसम है, बारिश हुई थी काफी, वेदर काफी इफेक्ट पड़ा है। अच्छा, चलें सवाल करती हूँ, मुझे बताएं कौन सा ऐसा जानवर है जो जल भी जाए तो वो जिंदा रहता है? जल भी जाए तो जिंदा रहता है? जलपरी। नहीं। जल भी जाए तो जिंदा रहता है। अच्छा, बच्चों का मुल्क कौन सा पता है आपको? बच्चों का मुल्क, ज्यादा बच्चे तो चाइना में होते हैं वैसे। नहीं, बच्चों का मुल्क यानी कि खेलने के हवाले से सकते हैं आप? डिज्नीलैंड बच्चों को ज्यादातर लाइक ही डिज्नी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। डिज्नीलैंड आपको जाने का शौक है? डिज्नीलैंड की देखते तो बाबा को बोलो ना लेकर जाए इनको। मैंने दिखाया है कराची में ऐसा इवेंट हुआ था जिसमें डिज्नीलैंड बच्चों के बकायदा आर्टिफिशियल लोकल दिखा दिया आपने, जान छुड़वाई। बिल्कुल, मौसम जो लोकल अवेलेबल थी सिचुएशन वो हमने मैनेज। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, मुझे बताएं कि आप कौन कौन सी क्लास में हैं? मैं ग्रेड 1। और आप? मैं ग्रेड 1। और आप? 3। आप पास आ जाओ थोड़ा सा, पास आओ। ये 3। अच्छा, 3 में है। अब आप मुझे बताएं कि किस किस को कौन सी पोइम आती है, हाथ खड़ा कर लें जरा, आपको पोइम सुनाए। चलो कोई बात नहीं, आप सुनाए कुछ दो। उर्दू में, इंग्लिश में कोई भी सुना दो। Johnny, Johnny, yes, Papa, eating sugar, no, Papa, telling a lie, no, Papa, open your mouth, ha, ha. Very nice, just clapping करें जी, सही सुनाई है, तालियां। आप बताएं, आप कुछ सुनाओगी? ये नाच सुनाएगा। आपको नाच आती है? नाच आती है, नाच सुनाएं। चलें जी, सुनाएं नाच, ये ले माइक पकड़ो। कोई से भी नाच सुनाएं, जो आपको आती है ना। मौलाया सल्ली वसल्लम दाइवन आवारन आई लव यू बीका करल करके कुल्ली। माशाल्लाह, क्या बात है। तो आप बेगम साहिबा कहाँ हैं? वो घर पे थी, उनकी छोटी बेबी तंग कर रही थी, मैंने बोला आप बच्चों को मैं ले जाता हूँ अकेले। उनका नहीं दिल कर रहा होगा कि वो भी जू घूम ले? कर रहा था क्योंकि मेरा मैका और उनका यानी कि मैका है यहाँ पर है और मेरा ननियाल भी यहीं पर है। अच्छा, वैसे क्या करते हैं आप? मैं लॉजिस्टिक ऑफिसर हूँ। अच्छा, कराची में किस जगह पे रहते हैं? हम लोग रहते हैं लांडी में। आपको कराची की सबसे मशहूर चीज़ क्या लगती है कि अगर कोई लाहौर से जाए या किसी भी शहर से जाए तो वो ये ट्राई करे? ज़्यादा लोग जो लाहौर से जाते हैं वो सी साइड को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि नेचुरल चीज़ें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि सी साइड पे विजिट करें। तो वहाँ पे सी व्यू है और डिफरेंट पॉइंट्स हैं सी साइड, तो वो मैं जब कराची में थी तो मुझे वॉल बड़ा अच्छी लगती थी जगह, जो वॉल पे जाते थे सारे। जी, वो दो दरिया की वॉल है जहाँ पे समंदर डायरेक्ट
यानी कि इंट्रैक्ट करता है। रात के टाइम तो और भी करीब हो जाए। लाइटिंग्स बहुत अच्छी हो गई वहाँ पर, तो वहाँ पे सिटिंग एरिया बना हुआ है, वहाँ पे रिफ्रेशमेंट एरिया है। सिक्योरिटी की थोड़ी सी सूरत हाल है, बंदा वहाँ पे डर जाता है? नहीं जी जी, सिक्योरिटी के हवाले से लोग नहीं आते, लेकिन मैं सबको इन्वाइट करता हूँ कि लाहौर वाले आप लोग कराची में आए, इंशाल्लाह आप लोग ये शहर के जो लोग हैं ना आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए आया करें। बहुत से लोगों के कॉन्सेप्ट बन गया है कि लाहौर में ना पुरसकून है, लेकिन कराची में है ठीक है, हर जगह अच्छी और बैड सोसाइटी लाजमी होती है, तो आप लोग लाजमी कराची आए। कराची में मैंने देखा कराची के लोग अच्छे होते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो जो है ज़्यादा प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादा पॉजिटिविटी लाहौर में नजर आई है। पॉजिटिव लोग लगे हैं ज़्यादा मुझे लाहौर में पसंद आए। इस्लामाबाद गए हैं? नहीं, इस्लामाबाद में अभी तक नहीं गया। चलें अगली दफ़ा आपने इस्लामाबाद। थैंक यू सो मच लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको ये गिफ्ट हैम्पर। ये लें जी, बहुत शुक्रिया। कराची से आए हुए थे, बड़ा मजा आया इनसे बात करके। आई होप आपने भी ये जो कन्वर्सेशन है इंजॉय की होगी। आए और भी लोग खड़े हुए, चलते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वासिब। आपका क्या नाम है? अन्नावास। और ये आपकी छोटी बहना का क्या नाम है? आयजा। आयजा ठीक है। और ये भाई इधर आओ जरा, भाई इधर आके खड़े सामने देखो कैमरे की, आपका क्या नाम है? अच्छा बोलता नहीं है, ठीक है। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ फिर। कहाँ? फैक्ट्री में, इंडस प्लस लाहौर में। हाँ जी लाहौर। अच्छा ठीक है, सवाल करती हूँ आपसे। पहले मुझे तो ये बताएं, जू में आए हुए कौन से जानवर पसंद है? बच्चों को आया, सब भी जानवर अच्छे हैं। बड़ों को भी तो पसंद होता है। मुझे बेसिकली सारे ही अच्छे जानवर सही हैं। चले मुझे बताएं कि कोई पोइम सुनाएंगी आप? आगे आए पोइम सुनाएं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आई वंडर व्हाट यू आर अप पर लाइक डायमंड इन द स्काई। वेरी नाइस जी, बाबा तालियां बजाएं। आपके अब्बा जी जो हैं वो तालियां बजा दें ताकि बच्ची ने ट्विंकल ट्विंकल सुना दिया है। अच्छा आप मुझे बताएं कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो जल भी जाए तो जिंदा रहता है? ऐसा कौन सा जानवर? मालूम नहीं है, सोचें। नहीं, वो चमगादड़ तो नहीं है कहीं? करीब करीब ही है। नहीं और नहीं, जहन में आ रहा कोई? नहीं आ रहा जहन में। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच लाहौर न्यूज़ की तरफ से। लेकिन जाते जाते हम आपसे जो है ना वो टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं। आपने बोलना है फीका गुड़ मीठा गुड़। फीका गुड़ मीठा गुड़, फीका गुड़ मीठा गुड़, फीका गुड़ मीठा गुड़, और ये मेरा मीठा गुड़। क्या का मीठा गुड़, प्यारी बच्ची आप, ये थैंक यू सो मच लाहौर न्यूज़ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। व्यूअर्स बड़ा मजा आया इनसे बात करके, बड़ा अच्छी फैमिली आई हुई आज जिनसे मैं तो बात करके इंजॉय कर रही हूँ। आई होप आप भी शो को इंजॉय करेंगे। आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मदीहा। आपका? फैसल। आपका क्या नाम है? नाया। नाम बताएं आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आप बताओ लाए बहन का नाम। आपका बहन का नाम क्या है? बड़े प्यारे कपड़े पहने हुए, किससे आपने स्टिच करवाए हैं? खुद खुद की हैं? फुप्पो ने। फुप्पो ने सी हैं। फुप्पो तो माशाल्लाह डिजाइनर लग रही हैं पूरी। मुझे बताएं कि आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ। मैं आईटी ऑफिसर सीनियर। अच्छा ठीक है, लाहौर में ही आप? लाहौर से हैं आप दोनों? और कितना अर्सा हो गया शादी? फाइव ईयर्स। माशाल्लाह दो बेटियां हैं जी। अच्छा सवाल करती हूँ, मुझे बताएं वो कौन सा ऐसा जानवर है जो जल भी जाए तो जिंदा रहता है? नो आइडिया। आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? कौन सा एनिमल अच्छा लगा है बताओ? लाया लाइन अच्छा लगे? टाइगर। आपको कौन सा अच्छा लगा है? टाइगर अच्छा लगा है, ठीक है। बहुत क्यूट बच्चियां आपकी, कोई ये पढ़ती हैं? हाँ जी। आप कौन सी क्लास में? नर्सरी में हो। चलें कोई पोइम सुनाए। Black, have you one more? Yes, three bag full, one for them after, one for Adam, one for the little boy who lives down the lane. अच्छा जी जबरदस्त जी, क्लैपिंग करें जी, अम्मा अब क्लैपिंग कर दें। अच्छा आप कुछ सुनाओगी? आप कुछ सुना दो। हस्बी रब्बी सुना दो। हस्बी रब्बी सुनाए। नहीं वो सुना। अच्छा नहीं शर्म आ रही है, चल वो सुना दो, बाजरे वाला सुना दो। बाजरे का सुना दे। शर्म आ रही है। आप मुझे बताएं कि आपकी बेगम है क्या अच्छा बनाती है खाने में? खाने में तो ये माशाल्लाह तकरीबन सारी कुकिंग अच्छी कर लेती हैं। वो हंस क्यों रही हैं? लेकिन वो ना जो बिरयानी वो नहीं उनको बनानी आती। बिरयानी नहीं बनानी आती आपको? बिरयानी हमारी जब हम खवातीन से मिलते हैं यहाँ पे तो बड़ी रेसिपीज आपने हमारे यूट्यूब पर जाके चैनल खोलना है, आपको रेसिपी मिल जाएगी, हमारी खवातीन बताती रहती है। जब मेरी शादी हुई ना तो उन्होंने मुझे कहा मैं आपको ना वो कटलस बना के खिलाती हूँ। मैं पता नहीं कटलस क्या, वो डेली मुझे यही पूरा एक महीना कटलस बना के खिलाती रही है। मैंने कहा बस कर दो कटलस।
रोज आप कटलेट्स बनाते? यही आते थे। नहीं, सिर्फ आलू वाले, आलू कीमे वाले या चिकन के जो? अच्छा, अब आपने आलू और कीमे के भी ट्राई कर रहे हैं, वो भी बड़े अच्छे बनते हैं। आप या आपको दूसरे कटलेट्स खिलाएंगे? है कि उसके बाद मम्मी ने इसको काफी ट्रेन कर दिया है, काफी ज्यादा माशाल्लाह कुकिंग। घर से नहीं सीखा था? कुछ भी नहीं। वैसे मैंने कहीं, एक खातून है, उन्होंने मुझे एक बात बताई, उन्होंने कहा कि आपको ना पहले सीखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ससुराल वाले किसी और तरीके से खाना बनाते हैं। सही। तो फिर जब आप अपने तरीके से बनाते हैं ना, आपको उलझन होती है, ऐसा होता है? हाँ जी, है ना। अच्छा कि आपने नहीं सीखा, अम्मा से ही सिखाया। तो वैसे सास कैसी है? बहुत अच्छी है। तो माशाल्लाह अम्मी को सिखा रही होती है। अच्छा, तो अम्मी कोऑपरेटिव है इनके साथ? बहुत ज्यादा। इनकी जबरदस्ती के जाओ चलो, जब बैठे हुए थे हम घर में, कहते जब फिर कर आओ, फिर इस टाइम जाके। मैं जी, वाह क्या बेहतरीन सास हैं इनकी। मुझे बताएं कि इनकी गुड क्वालिटी क्या और बैड क्वालिटी क्या? ये नहीं बता सकती। बता दें, कोई बात नहीं, कान में बता दें। नहीं, अच्छे हैं। अच्छे हैं। बुरी क्वालिटी क्या है? गुस्से के बहुत बुरे। क्या करते हैं गुस्से में? चीज तो नहीं तोड़ते? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये वाला गुस्सा नहीं है, नॉर्मल है। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू सो मच लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको ये गिफ्ट हैम्पर। ये लें जी, बहुत शुक्रिया। ये लें, पकड़ लें। व्यूअर्स, बड़ा मजा आया इनसे बात करके, और जूम में सब मौजूद हैं, सब ये भी बता रहे हैं कि उनका फेवरेट जानवर कौन सा है। आपने बताना है आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है। और अभी यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, मेरा वेट करना है। देखते रहिए लाहौर न्यूज़। व्यूअर्स, मैं वापस आ गई हूँ। आई होप आप शो को एंजॉय कर रहे होंगे। सवाल हम कर रहे हैं लोगों से, लेकिन ये सिर्फ सवाल नहीं है, हम कर रहे हैं उनसे मजेदार बातें और पूछ रहे हैं कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। जो हमें कपल्स मिलते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि बेगम साहिबा की अच्छी आदत क्या है और बुरी आदत क्या है। तो कपल से बड़ा मजा आता है बात करने का। आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? बिशरा जैन। आपका? मेरा नाम रुबिया है। आपका क्या नाम है? अच्छा, बड़ी आज ट्विन्स जो है वो ट्विनिंग चल रही है सबकी, है ना? हाँ जी। पहले भी एक फैमिली से बात की, उन्होंने भी ट्विनिंग की हुई थी। मुझे बताएं कि आप खुद कपड़े इनके डिजाइन करती हैं? हाँ जी, मैं खुद करती हूँ। मेरी अम्मी करती है। अच्छा, ये अम्मी ने सिलाई की? नहीं, ये तो रेडीमेड लिया। अच्छा, रेडीमेड लिया अपनी अम्मी से। प्यारी लग रही है माशाल्लाह। मैं खुद करती हूँ। अच्छा अच्छा, वैसे क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ। मेडिकल स्टोर है, सही है? दवाइयाँ ये वो सब मुफ्त, सब कुछ घर की, दूध के डब्बे, पैंपर्स, सब ये सहूलते हैं भाई मेडिकल स्टोर होने के। मुझे बताएं शादी को कितना अर्सा हो गया? 8 साल हो गए। मैं सवाल कर लेती हूँ, मुझे बताएं कि वो जानवर कौन सा है जो जल भी जाए तो जिंदा रहे? नो आइडिया। मैं हिंट दूंगी तो आप गैस कर लेंगी। अब क्या हिंट दे दूं? हाँ जी, कैद कर लेते हैं उसको। जानवर कैद कर लेते हैं। लड़कियों अक्सर उसको कैद करती हैं। नहीं, नहीं आइडिया हुआ। चले ठीक है, अब आपने प्रोग्राम के एंड में इसका जवाब जो है ना वो देखना। आपको कोई पोईम आती है? हाँ जी। सुनाएं। लिटल गर्ल वेयर आर यू बी। नहीं आती। नहीं आती, कोई बात नहीं, आप सुनाएं। मुझे भी नहीं आती। आपको भी नहीं आती? कुछ तो। अच्छा, एबीसी आती है? ए बी सी सुना दें। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। आप क्या सुनाएंगी? सुनाएं, पोएम सुना दें, उर्दू में सुना दें। मछली जल की रानी आती है? वो सुनाएं। मच्छी जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगा के डर जाएगी, पानी में डालो तो मर जाएगी, जी मैं उसको बात मुझे नहीं आती। सारी सुना के में कहती है मुझे नहीं आती है। सब बच्चियों का एक्सेंट बड़ा डिफरेंट लग रहा है। कहाँ से हैं आप लोग? मुल्तान। मुल्तान से? हाँ। तो ये सिराई की टच आ रहा है, की टच आ रहा है इनके बच्चियों में तो बहुत ज्यादा आ रहा है। आप दोनों में तो नहीं इतना लग रहा? नहीं, मेरे असल में ज्यादा टाइम लाहौर गुजरा है। हाँ। लेकिन बच्चियों में बहुत ज्यादा सिराई की टच है, इनकी पैदाइश है और वहीं ही अभी तक बड़ी हुई है ना। वेरी नाइस। तो अभी यहाँ पे आप लोग अकेले रहते हैं या फैमिली के साथ? घूमने फिरने के लिए आए, सिस्टर का घर है इधर ही। अच्छा, मुल्तान में रहते हैं वैसे आप? ठीक है, सही है। तो मुझे बताएं कि आपके इनकी गुड क्वालिटी क्या है और बैड क्वालिटी क्या है? गुड क्वालिटी वो कह रहे हैं बता दो, गुड क्वालिटी बता दो। नहीं, अब आप बैड क्वालिटी बताएं। नहीं नहीं, वो कोई नहीं है। वो कोई भी नहीं है, इतना अरसा गुजरने के बावजूद खुद ही बता रहे हैं। गुस्से का शायद तेज हूँ। ठीक है जी, अब मैं आपसे टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। आपकी बेगम बड़ा कम बोलती है। नहीं है, वैसे बहुत बोलते हैं, आज थोड़ा सा कंफ्यूज है। कंफ्यूज है। आपने बोलना है फीका गुड़ मीठा गुड़ 5 दफा।
टंग ट्विस्टर कर लें। नहीं नहीं बस वो बोल रही है, सही करा लेते हैं। बेगम तो इस मूड में नहीं है किसी भी बात करने में, आप कर लें। चलें जी, मीठा गुड़ फीका गुड़, मीठा गुड़ फीका गुड़, मीठा गुड़ फीका गुड़, मीठा गुड़ फीका गुड़, मीठा गुड़ फीका गुड़। वैसे पसंद है गुड़ वाले चावल? अभी नहीं, मीठा नहीं। मीठा ही नहीं पसंद? क्या अच्छा बनाती हैं खाने में? चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई, और आपको क्या लगता है कि आप क्या अच्छा बनाती हैं? मेरे ख्याल से तो मैक्रोनी वगैरह ये भी अच्छी बनाती हैं। तो ये बच्चे शौक से खाते हैं? हाँ जी, ये शौक से खाते। ठीक है, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको ये गिफ्ट हैम्पर, ये लें। थैंक यू। व्यूअर्स, बड़ी प्यारी फैमिली थी, मुल्तान से आए हुए थे और जू घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं। बड़ा मजा आया इनसे बात करके। आए क्राउड में बड़े प्यारे और भी लोग नजर आ रहे हैं, चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तैयब ताहिर। आपका? मोहम्मद उमेर। बड़े तैयार लग रहे हैं आपके, शादी से आ रहे हैं या जू में ही ऐसे कपड़े पहन के आए? हम ना तैयार हुए हैं, दरअसल डेटिंग शेटिंग और उसके बाद हमारी आज फेयरवेल पार्टी थी। अच्छा अच्छा, फेयरवेल पार्टी थी, तो कहाँ क्या करते हैं आप? हम मास्टर इन मैथमेटिक्स है, हमारा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। सही सही। और आप? मैं भी इसके साथ, हम दोनों। अच्छा ठीक है, सही है। आप मुझे बताएं कि अभी जू घूमने के लिए आए हैं, जानवर कौन सा पसंद है? जानवर हमें हमारे अपने बड़े जानवर हैं, एक हमने ये जानवर पाला हुआ है, ये भी पसंद है। उसके बाद हमने ये जो स्पेशल जानवर देख रहे हैं वो सुना है कि जराफा नया आया है। अच्छा, तो वो हम देखेंगे। आपको पता है कि जराफा जो है वो आवाज़ निकाल सकते? आई थिंक नहीं। हाँ, मैं सीढ़ियाँ मारता, वो सुना सीढ़ियाँ नहीं, सीढ़ियाँ तो नहीं मारता। जराफा आवाज़ नहीं निकाल सकता, आप इन्फॉर्मेशन आज लेके जाएंगे। वो कौन सा जानवर है जिसकी आवाज़ नहीं होती? वो जराफा है। नहीं, वो मेरा ख्याल है जिसका आपने सुना उसका गला खराब होगा, आवाज़ तो निकाल ले। नहीं, जराफा आवाज़ नहीं निकालता, कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं। देखेंगे, आज देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इतना आप तैयार हो कराए। ये सारे आपके दोस्त हैं सामने? हाँ, ये हमारे दोस्त हैं। अच्छा, क्लास फेलोज भी हैं? हाँ, क्लास। और कहाँ से आप? लाहौर से? हम मुख्तलिफ शहरों से, हमने कम्बिनेशन बनाया, कोई झंग से है, कोई कसूर। आप कहाँ से? मैं लाहौर कसूर से हूँ। कसूर से? और आप? मैं लाहौर से ही हूँ। कसूर की फेमस चीज़? कसूर की फेमस चीज़ है फलूदा, और उसके बाद है कसूरी अंदरसे। अंदरसे तो मैंने सुने हैं, बड़े मज़ेदार होते हैं वो। आपने फलूदा भी बना, खुद भी बनाना आता है? हाँ, खुद बनाना आता है। जो पागल? हाँ, पागल बनाना आता है वो, तो हम अच्छा बना लेते हैं, लेकिन खाने में भी हम चीज़ें बना लेते हैं। अच्छा, मुझे बताएं वो कौन से ऐसे जानवर है जो जल भी जाए तो जिंदा रहता है? वो कौन सा ऐसा जानवर है जो जल भी जाए तो जिंदा रहता है? जल भी जाए, थोड़ा सोचने दें। सोचें, कोई हिंट? हिंट देना, ऐड कर लेते हैं शुरू। हेलो, देनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन। टाइम चाहिए जितने के लिए आपका शो खत्म हो जाना है। मैं सवाल चेंज कर लेती हूँ। आपको पता है कि बच्चों का मुल्क कौन सा है? बच्चों का मुल्क पाकिस्तान में जितने भी हैं सारे ही बच्चे हैं। ज़हनी तौर मतलब वो जाते हैं वहाँ पे, उनका दिल होता है कि हम यहाँ पे जाएं? अभी तो फिलहाल सारे बच्चे इधर ही आ रहे हैं। तो ये मुल्क हुआ, आपको कौन सा जानवर पसंद? मुझे लाइन शेर। शेर पसंद है, ठीक है। चलें, आपको सुनाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। सुनाएं। मैं आपको पंजाबी की एक नज़म सुनाता हूँ। मैं एक अखड़ ते मुस्ताना पेंडू, तू मुटियार नवाबा दी, तेरा मेरा जोड़ी की। मैं इको शर्ट नू तो पावा, ते तेरे जोड़े पंजी ती, तेरा मेरा जोड़ी की। मैं मर मर के बीए कीता, तू मैथ नाल एमएससी, तेरा मेरा जोड़ी की। ते तेरे नाजा नखरिया नालों, सानू चंगी मामे दी ती, तेरा मेरा जोड़ी की, तेरा मेरा जोड़ी की। तो मुझे ये बताएं कि मामे की जो ती है वो अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल अवेलेबल। उनसे शादी करनी है, एंड में कोई ना मिले तो फुप्पो की बेटी मिल जाती है या मामू की बेटी? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है, मिल नहीं जाती, गले डाली जाती है, गले डाली जाती है। आप किस हक में, अरेंज मैरिज की लव मैरिज? देखें जी, हम तो देखें, मैं बता देती हूँ, लव मैरिज में मिलती हैं जली हुई रोटियाँ और अरेंज मैरिज में मिलती हैं गोल पकी हुई रोटियाँ। देखें, पता है लव मैरिज में अगर जली हुई रोटी भी मिल जाए ना तो उसको हंस के कबूल किया जाता है, तो हम उसको ही कबूल करेंगे जिसको हंस के कबूल करेंगे। हम वो धके वाली रोटी जो है ना भावे। आप क्या कहते हैं? अरेंज ना, मुझे लगता है आप खाने पीने के शौकीन जी। ऐसे ही है ना, आपको गोल रोटियां चाहिए और सही पका हुआ खाना चाहिए। सही है, सही। कच्चा खाना नहीं, कच्चा खाना नहीं। चले, अब मैं आपसे, इन्होंने तो नज़म सुना दी, आपसे हम करवाते हैं टंग ट्विस्टर। अच्छा। आपने करना है फीका गुड़ मीठा गुड़ पांच दफा बोलना है। एक ही रो में फीका गुड़
फीका गोर मीठा गोर, फीका गोर गोर नहीं गुड़ गोर गुड़ को गुरी बोलते हैं। चले गुड़ आप बोल लेते हैं। आपने बोलना फीका गुड़ मीठा गुड़ पीटा फीका गुड़ मीठा गुड़ फीका गुड़ मीठा गुड़ फीका गुड़ मीठा गुड़ फीका गुड़ मीठा गुड़ जितनी बार मर्जी कहलवा ले। ठीक है ओके थैंक यू सो मच लाहौर न्यूज की तरफ से आपको एक गिफ्ट आप ये लें जी। व्यूअर्स आई होप आपने ये जो हमारी गुफ्तगु हुई आपने इसको एंजॉय किया होगा। मुझे बड़ा मजा आ रहा है। आज आए चलते हैं क्राउड में और भी लोग नजर आ रहे हैं उनसे बात करते हैं। सलामुलेकुम। वालेकुम। क्या नाम? शुक्र अल्लाह पाक दा बेटा तुसी सुनो। मैं ठीक हूँ। नाम क्या है आपका? किश्वर। आपका क्या नाम? शुभान अली। फिजान अली। आप क्या लगती हैं? नानो। नानो लगती है। नानो के साथ घूमने फिरने आए हुए हो? यस। कौन सा जानवर पसंद है? ज़ेबरा। आपको? ज़ेबरा। आपको कौन सा अच्छा लगता है? बस बच्चों को अच्छा तो सारे बड़ों को भी अच्छा लगता है। खुद की भी तो कोई पसंद होती है? तो कोई पसंद नहीं है। अच्छा मुझे बताएं वो कौन सा ऐसा जानवर है जो जल भी जाए तो जिंदा रहता है? कौन सा जानवर है जल भी जाए सोचो जलता है वो रोशनी होती है उसकी। हाँ जुगनू। इतना हिंट देने के बाद आपने फौरी कह दिया जुगनू। जुगनू बिल्कुल सही जवाब दिया। चलो नानों के लिए तालियां बजाओ। ओके okay, जी मुझे बताएं कि आप कुछ बना लेती हैं खाने में? जायरा बनाती हूँ। जायरा को कोरमा बना के ले आई हूँ। आज कोरमा बना के लाई है। किधर है जी कोरमा? जी असि तो खा लिया खाना तो तुसी भी खा लिया रखा थोड़ा भी हिस्सा। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे बताएं रेसिपी बता दे। मैं मुर्गी किलो बाकी जरूरतमंद चीज़ा सारियाँ मुर्गी देठियाँ डाल के देस की रख दी अग डाल के ठीक है बाल के पंजाबी असी ठीक है तो बस उन्होंने हल्की आँच से भुनना है घ्यो डाल लेना बाद जो मसाला जरा घोल जाए तो भुन के नीचे डाल। जबरदस्त सा कोरमा तैयार हो गया। सब इकट्ठा डाल दिया आपने? इकट्ठा डाल दी मुर्गी के साथ। जबरदस्त जी व्यूअर सारे सब कुछ इकट्ठा डाल दें। अच्छा आप कुछ सुनाएं कोई पोईम सुनाएं। ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई लाइक द डायमंड इन द स्काई। वेरी गुड। आप क्या सुनाओगे? मछली जल की। ओके सुनाओ। मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ तो डर जाएगी पानी में डालो तो तर जाएगी। पानी में डालो तो क्या होगा? तर जाएगी। तर जाएगी। अच्छा चलो ठीक है। वेरी गुड जी तालियां जी। और आपको लाहौर न्यूज की तरफ से ये लिंक गिफ्ट हैंपर बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स बड़ी मज़ेदार हमें जो है वो कोरमे की आज रेसिपी मिल गई। आई होप आपने नोट डाउन कर ली होगी। तो जू में आज हम आए हुए हैं बड़ा मज़ा आ रहा है मौसम भी काफ़ी बेहतर है। तो आइए चलते हैं थोड़ा आगे चल के लोगों से बात करते हैं। लेकिन हम ये बात करेंगे पर यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना मेरा वेट करना है। स्टे विद मी। वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं वापस आ गई हूँ। जू में इस वक्त मौजूद हैं। बड़ा प्यारा मौसम है। बड़े प्यारे लोग आए हुए हैं। हम कर रहे हैं उनसे बातें मज़ेदार खट्टी मीठी। तो मैं आपको बता देती हूँ सवाल जो कि हम लोगों से कर रहे हैं यहाँ पर। तो आई होप आपने भी जवाब ढूंढ लिए होंगे। हमारा सवाल ये है कि बच्चों का मुल्क किसे कहा जाता है और वो कौन सा जानवर है जो कि जल भी जाए तो जिंदा रहता है। आप सोचें मैं लोगों से पूछती हूँ। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अवैस। आपका? सबा। आपका क्या नाम है? मुस्तफा। हंस रहे। क्या नाम है? मुस्तफा। मुस्तफा मुझे बताएं कि आप क्या करते हैं? मेरा बाइक रिपेयरिंग का काम है। किसका? बाइक रिपेयरिंग। रिपेयरिंग। अच्छा और आप? मैं हाउसवाइफ। हाउसवाइफ हैं। सवाल करती हूँ मुझे बताएं कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो जल भी जाए तो जिंदा रहता है। जल भी जाए। इधर आओ शरारत नहीं करनी। इधर आओ। आपका क्या नाम है? इब्राहिम। इब्राहिम आप तक सोचो मैं बच्चे से जरा पोइम सुनती हूँ। पोइम सुनाए। ओ भाई सीधा ही जवाब। इधर आओ पोइम सुनाओ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अच्छा इधर तो आओ। बहुत शरारती बच्चे आपके। कौन सा जानवर है? मुझे गैस नहीं। कैद भी कर लेते हैं। ईगल? नहीं ईगल नहीं है। चले दूसरा सवाल आपको पता है बच्चों का मुल्क कौन सा है? बच्चे बड़ा शौक रखते हैं कि हम जाएं वहाँ। जूई है? नहीं नहीं मुल्क है। मुल्क है? मुल्क भी नहीं हमें पता। वो आपको नहीं पता? प्रिंसेस होती हैं वहाँ पे। वो
आ रहे याद आ रहे नहीं आ रहा। अच्छा चलें, हम आपसे टंग ट्विस्टर करवाते हैं। आपने बोलना है फीका गुड़ मीठा गुड़, आपने बोलना है 5 दफा। फीका गुड़ मीठा गुड़, फीका गुड़ मीठा गुड़, फीका गुड़ मीठा गुड़, फीका गुड़ मीठा गुड़, फीका गुड़ हो रहा है, गुड़ नहीं हो रहा। गुड़ गुड़ फीका गुड़ मीठा गुड़, फीका गुड़ मीठा गुड़, फीका गुड़ मीठा गुड़, फीका गुड़ मीठा गुड़, फीका गुड़। मुझे लगता है रेड का मसला है आप। नहीं 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 क्या लगता है आपको? हाँ जी लाहौर से लगते हैं, पक्के लाहौरी लग रहे जी। लाहौर से ही आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अच्छा बनाती हैं खाने में बेगम साहब? मटन पुलाव। रेसिपी आप? है तो है पर बहुत ज्यादा लंबा काम, बहुत ज्यादा लंबा काम है। कोई छोटी कोई अच्छी मजेदार सी रेसिपी बता दो। स्वीट डिजर्ट बता दे। बता दें, ब्रेड लेके उसको छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लें चौड़े साइज, और उसको फ्राई करें अच्छी तरह। फ्राई करने के बाद आप उसको थोड़ा सा दूध लेके उसको पका लें, उसमें थोड़ा सा पाउडर मिल्क ऐड कर लें। उसको ड्राई जब हो जाए उसको वो फ्राई किए हुए स्लाइसेस के ऊपर लगा के तो उसको सर्व कर दें ठंडा कर। क्या कहते हैं इसको? इसको शाही टुकड़े तो नहीं कहते? नहीं नहीं, शाही टुकड़े से डिफरेंट है। शाही टुकड़े डिफरेंट है। चले जी, थैंक यू सो मच लाहौर न्यूज़ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर ये लें जी। बहुत शुक्रिया। बच्चे जो है वो हाथ में ही नहीं आ रहे थे, कहाँ चले गए। हमने सुननी थी उनसे पोइम लेकिन नहीं सुन सके, लेकिन कोई बात नहीं, और भी बड़े प्यारे लोग यहाँ पे नजर आते हैं, तो आइए चलते हैं उनको जरा तंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फौजिया। आपका क्या नाम है? ईसा अली खान। आपका क्या नाम है? माही। व्हाट्स योर नेम? सुलेमान। वेरी गुड। कौन सी क्लास में? केजी। और आप? नर्सरी। नर्सरी में। और आप? टू। ठीक है। आप क्या करती हैं? आप क्या लगती हैं? पुप्पो। पुप्पो लगती हैं? पुप्पो बड़ी डेंजरस होती है। कैसी पुप्पो हैं ये? अच्छी। बच्चे वैसे मन के सच्चे होते हैं, कुछ गलत ही ना बोल दे। कैसी पुप्पो हैं ये? बच्ची कंफ्यूज है। वो कह रही है बताओ कैसी हूँ। आप मुझे बताएं कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि जल भी जाए तो जिंदा रहता है? नो आइडिया। आपको पता? उसको हम ऐसे कैद भी कर लेते हैं, पता है? चलो आप मुझे बताओ कि बच्चों का मुल्क कौन सा है जहाँ पे प्रिंसेस होती हैं और बड़ा अच्छा लगता है, आपका ख्वाहिश होती है कि आपने जाना है। आप सोचो, आपको पता होगा कौन सा होगा। कहाँ जाने का शौक है? कैनेडा। कैनेडा जाने का शौक है। अच्छा अच्छा, आप कैनेडा से हो, ठीक है, सही है। अब फिर मुझे कोई पॉइंट सुना दें आप फटाफट से। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up the world so bird so high, like a diamond in the sky. Very nice. जी clapping करें, clapping करें इनके लिए, बहुत अच्छी सुनाई है। आप क्या सुनाओगे? ABC. ABC? Okay. A B C D E F G A char kero pero p r q r s y z no a p c d e। ये क्या आपने सुनाया है? ये क्या सुनाया है? इधर आए जरा, इधर आए, शर्मा आ गए। अच्छा ओके चले, आप मुझे बताएं कि आप क्या सुनाओगे? बाबा ब्लैक। ओके। बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल? Yes sir, three bags full. One for the master, one for the lay, one for the little boy who lives down the. It's okay, कोई बात नहीं। Clapping करें जी, इनके लिए भी clapping करें। और जी मैं हर वक्त, मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि बच्चे बड़े प्यारे आते हैं, तो मैं सोचती हूँ मैं जू ही जाऊँ। आपका प्रोग्राम देख। अच्छा अच्छा लगता है? ना देख, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चलें फिर, आप जो है ना वो मुझे बताएं कोई रेसिपी आपके पास। इस वक्त तो कुछ नहीं मिले, इस वक्त तो कुछ नहीं है। चलें, थैंक यू सो मच लाहौर न्यूज़ की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर, ये लें जी, पकड़ लें। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, बड़ी प्यारी फैमिली थी, हमने उनसे बात की, बच्चों ने बड़ी प्यारी पॉइंट सुनाए, आई होप आपने इंजॉय किया होगा। आए चलते हैं क्राउड में, बड़े प्यारे और भी लोग नजर आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? बरीरा। आपका? उसामा। आपका क्या नाम? हसीबुल्ला। अच्छा, आप दोनों हस्बैंड वाइफ? हाँ जी। और ये क्या लगता है आपको? ये मेरा भाई है। भाई है आपका? अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर साइंस। शादी के बाद भी दोनों पढ़ रहे हैं? पढ़ने देती हैं बेगम? ये खुद पढ़ रही है। आप क्या पढ़ रही? मैं बीए कर रही हूं। एडी काली सी याद। हाँ जी। अच्छा, कहाँ से? लाहौर से। गुजरांवाला से। गुजरांवाला से। गुजरांवाला की मशहूर चीज चिड़े के अलावा?
कढ़ाई लड़ाई। तो मुझे बताएं क्या इरादा बना, पढ़ते पढ़ते एक दिन आया ख्वाब शादी कर लें, शादी कर लें? हाँ जी हमारी कास्ट में जल्दी कर देते हैं। अच्छा क्या कास्ट है आप? गुज्जर। गुज्जर भैंसे भी आपके पास? यस। कितनी हैं? काफी हैं। भैंसे देख के तो नहीं शादी? नहीं नहीं खुद भी कुछ। हाँ जी। अच्छा तभी जरा बरादरी बरादरी में हो गई, जल्दी शादी कर ली। चले कजन से आप? हाँ जी कजन। ठीक है मुझे बताएं वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि जल भी जाए तो जिंदा रहता? जो जल भी जाए? नहीं लावा में रहने वाले शायद बैक्टीरिया कर लेते हैं। ओह नो। जुगनू? बिल्कुल सही। गुज्जर हो गए, सही जवाब दे देता है। अच्छा चलिए ठीक है, तो मुझे बताएं कि इनकी अच्छी आदत क्या लगी आपको, आपने कहा मैंने इनसे शादी करी? इनकी ट्रू सच्चे रहना। सच्चे रहना, ऑनेस्ट है ये। और आपको क्या अच्छा लगा? इनका हैंडसम होना। हैंडसम होना, अच्छा जी। तो जी बेगम को आपका हैंडसम होना बड़ा पसंद है, इनकी बुरी आदत क्या है? बुरी अभी तक तो नहीं मिली है। अभी कितना अरसा हुआ अभी शादी? अभी 9 माह हुए। नौ, अभी तो बहुत ही कम टाइम है। तो अल्लाह करे आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। अब मुझे बताएं कि इन ये गा लेते हैं आपके लिए कुछ? गुनगुनाया बता गुनगुनाया तो चलें आज फिर आज खोल ही देंगे राज। नहीं मुझे नहीं गाना था। थोड़ा सा तो गुनगुना दे बेगम के लिए एक दो लिरिक्स। बाथरूम में कभी नहीं गाया? ना कमरे में तो गाया ना, कह रही हूँ कमरे में तो गाया ना। सॉरी अम्मी, अम्मी है आपके सामने, आपकी सास है? अम्मी है। अम्मी है, देख लें जी प्यार मोहब्बत चल रहा है। सुनाएं गाना तो सुनाते हैं गुजरते गुजरते। तैनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच सौ बार करा, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करा, के तेरे ले दुनिया छोड़ दी है, के तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। वाह जी वाह, बेगम ने गा लिया गाना, देख लें। हाँ बिल्कुल जबरदस्त जी, तालियां बजाएं, बहुत अच्छा गाना आपने गाया। अब आपके जो भाई हैं ये कौन सी क्लास में जी बताएं? एट्थ में। अच्छा तो कुछ सुनाना चाहोगे आप, कोई नात वगैरह जी सुनाना है? चलो सुनाइए, लो माइक पकड़ो। लहू का कतरा कतरा, लहू का कतरा कतरा, लुटा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी, लुटा देंगे कसम से, लहू का कतरा कतरा, लुटा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी, लुटा देंगे कसम से, मुस्तफा के शान पे ना आज आने देंगे हम, बाखुदा सहना पड़े जो भी हमें सह लेंगे हम, गुलामे मुस्तफा हैं बता देंगे कसम से नबी पे जान अपनी, लुटा देंगे कसम से, लहू का कतरा कतरा, लुटा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी, लुटा देंगे कसम से, जिंदगानी में फकत है आपसे ही रोशनी है, अंधेरे ही अंधेरे आपने दी रोशनी, शहादत के दिए हम जला देंगे कसम से नबी पे जान अपनी, लुटा देंगे कसम से, मौत से क्या खौफ हमको है, कफन से दोस्ती है, सदाए हक लबों पे है गुलामे ऐ नबी, रखोगे याद ऐसी सजा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी, लुटा देंगे कसम से, लहू का कतरा कतरा, लुटा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी, लुटा देंगे कसम से। माशाल्लाह बहुत अच्छी नात पढ़ी है। अब मैं जो है ना वो टंग ट्विस्टर करवाऊंगी आपसे। आपने बोलना है फीका गुड़ मीठा गुड़ 5 दफा। फीका गुड़ मीठा गुड़, फीका गुड़ मीठा गुड़, फीका गुड़ मीठा गुड़, फीका गुड़ मीठा गुड़, 5 दफा बोलना था। आप बोले फीका गुड़ मीठा गुड़, फीका गुड़ मीठा गुड़, फीका गुड़ मीठा गुड़, फीका गुड़ मीठा गुड़, फीका गुड़ मीठा, फिटा हो गया। लॉर्ड न्यूज़ की तरफ से आपको एक गिफ्ट है, ये लें जी। थैंक यू सो मच। बड़े प्यारा कपल था, हमने इनसे बात की। आई होप आपने शो को एंजॉय किया होगा और आपने अपना फेवरेट प्रोग्राम नहीं देखना भूलना है लाहौर न्यूज़ HD पर।
व्यूअर्स, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। आज हमने जो लोकेशन चूज़ की थी वो थी ज़ू, और बड़ा मज़ा आया ज़ू में। मौसम बड़ा अच्छा था और लोगों की तादाद भी मैं देख रही हूँ कि अब और ज़्यादा लोग आने लगे हैं मौसम अच्छा होने की वजह से। सबके पसंदीदा जानवर हैं, सब उनको देख रहे हैं। हमने की लोगों से बातें, उनको थोड़ा रोक कर उनसे सवालात किए। सवाल बड़े आसान थे, आई होप आपको भी पता होगा। जो मेरे व्यूअर्स बच्चे हैं छोटे देखने वाले, उनको तो फौरी पता लग गया होगा, स्पेशली लड़कियों को। सवाल हमारा ये था कि बच्चों का मुल्क किसे कहा जाता है, तो वो है डिज्नीलैंड, जहाँ पे प्रिंसेस होती हैं। मुझे तो बड़ा शौक था बचपन में, खैर मुझे तो अभी भी बड़ा शौक है जाने का। दूसरा सवाल हमारा ये था कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो जल भी जाए तो जिंदा रहता है, तो इसका सही जवाब है जुगनू। जुगनू जलता भी रहता है और जिंदा भी रहता है, अक्सर उसको कैद भी कर लेते हैं, बड़ा प्यारा जानवर है। तो ये हमारे दो सवाल थे जो कि हमने लोगों से किया। आई होप आपने भी जवाब जो है वो ढूंढ लिए होंगे। आपने अपना फेवरेट प्रोग्राम बुझो तो जीतो नहीं देखना भूलना, लाहौर न्यूज़ HD पर जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ पे मेरे साथ यानी कि महनूर, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महनूर कुरैशी ऑफिशियल, वो भी आपने देखना नहीं भूलना, फॉलो करना नहीं भूलना। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगली एपिसोड में हाजिर होंगी नई एक्साइटमेंट के साथ, नई लोकेशन के साथ, नए और प्यारे लोगों के साथ। तो आप भी हमें ज्वाइन करते हैं, कर सकते हैं नई लोकेशन पर और नए एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।